नोएडा में उमर अब्दुल्ला साहब का दौरा हो रहा है, तो कहीं ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इलेक्शन होने जा रहे हैं जिस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज का जो दौरे चल रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के लोगों से भी एक आग्रह करना चाहूँगा, इस बार सोच समझ के वोट दीजिएगा, क्योंकि आपने पीछे भी NCPDP इनकी सरकारों को भी देख लिया, आगे भाजपा की सरकार को भी आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सेंटर भाजपा से उम्मीद रखते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं लोग सेटिस्फाई हैं उस काम से, लेकिन थोड़ा टाइम अगर किसी जम्मू कश्मीर में लग रहा है, लेकिन जल्द से जल्द इस जम्मू कश्मीर में भी उनको कुछ करना चाहिए, नहीं तो लोग उनके भी खिलाफ जा सकते हैं। ये बिल्कुल लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जिस हिसाब से आजकल जिस डोडा में जाके दोबारा से मुझे लगता है कि मजहबी रंग देने की कोशिश ये लोग आने वाले समय में इलेक्शन में करेंगे, लोगों को इस चीज़ से बचना है, परहेज करना है, आपको सोच समझ के अपने कैंडिडेट को उठाना है, और ग्राउंड लेवल पर जो काम करने वाला व्यक्ति होगा उसी को इस बार चुनाव में जिताइए, नहीं तो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की यही हालत हमेशा से जैसे पीछे से होती आई है ऐसे ही चलती रही। कि उस उम्मीद में भाजपा भी खड़ी नहीं है, कहीं ना कहीं भाजपा में कमी है, भाजपा को ये कमियां पूरी करनी चाहिए, तब जाके लोग उनके साथ आएंगे, नहीं तो वरना उनका भी बहुत मुश्किल हो जाएगा।